हमारे विधायक आज पहली बार कुछ मांग रखे हैं यहाँ पर, और चूंकि आप लोग आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, और विधायक जी का कहना है कि 415 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर लहराएगा, और ये जो मैनपाट महोत्सव है ये हर साल मनाते हैं और इसमें भी काफी खर्च आता है, हालांकि सरकार से सहयोग मिलता है, तो मैं भी अपने तरफ से इस महोत्सव के सहयोगार्थ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मां तारी की, छत्तीसगढ़ मां तारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मैनपाट इस पावन भूमि में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज मंच में विराजमान हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक श्री राम कुमार टोप्पो जी, लोंद्रा के विधायक श्री प्रमोद मीन जी, अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मेजर अनिल सिंह जी, श्री चिंतामणि महाराज जी, पूर्व सांसद कमलभान सिंह जी, भारत सिंह सिसोदिया जी, अखिलेश सोनी जी, अभिमन्यु गुप्ता जी, देवनाथ सिंह जी, राजकुमार अग्रवाल जी, त्रिलोक कुमार कुशवाहा जी, फुलेश्वरी सिंह जी, मंच में विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के महानुभावगण, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, सीसीएफ साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, और इस महोत्सव में पधारे क्षेत्र के सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने और प्रेस के मित्रों, गला थोड़ा खराब है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों के आमंत्रण पर इसके लिए आप सभी लोगों का आभार, और ये मैनपाट बहुत सुंदर जगह है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये शिमला जैसे है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, उस तरह से हमारा ये मैनपाट छत्तीसगढ़ का पंचमढ़ी है, और यहाँ पर सनातनी और बौद्धिस्ट दोनों का बड़ा संगम भी देखने को मिलता है, हमारे तिब्बती भाई लोग भी हैं, और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, और निश्चित रूप से ये पर्यटन क्षेत्र तो है ही, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको आगे और बढ़ाएंगे, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीतापुर विधानसभा से राम कुमार टोप्पो को विधायक बना के आप लोग रायपुर भेजे हैं,
और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरगुजा समाज में भी ऐतिहासिक विजय आप सब लोग दिलवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं, इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। चूंकि समय कम है, वापस जाना है, थोड़ा आज दामाखेड़ा में हम लोग को विलंब हो गया। वहां पर कबीर पंथ का हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, और माघ पूर्णिमा के अवसर में वहां पर मेला है, तो लंबा कार्यक्रम चल गया, इसलिए देरी हो गई। और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई सरकार को अभी मुश्किल से 70-72 दिन हुए हैं, और इतने कम दिनों में हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पहले ही कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए हैं, और बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका पक्का का मकान मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस की राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों का उनके खातों में 3716 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हुई है, और इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है, जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, वो भी एक मुश्त किसानों के खाते में बहुत जल्दी भेजने वाले हैं, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। और जो महतारी बंदर योजना की बात है, 70 लाख से ज्यादा फार्म भरा चुका है, और अगले महीने से हमारी सभी विवाहित माता बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से पैसा भी आना उनका शुरू हो जाएगा। बाकी जो भी मोदी की गारंटी में वादा है, तेंदू पत्ता का कीमत 4,000 रुपया से बढ़ा के 5,500, इसका भी निर्णय हम लोग कैबिनेट में ले लिए हैं। इस सीजन में 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदू पत्ता की खरीदी होगी, और 15 दिन की खरीदी होगी। और जो चरण पादुका योजना है, संग्राहक परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, ये सब जो पुराने हमारे 15 साल के शासन में जो व्यवस्था था, वो सारा व्यवस्था फिर से शुरू करने वाले हैं। 500 रुपया में गैस का सिलेंडर, और भूमिहीन लोगों को सहायता के रूप में 10,000 साल का, ये सब सारा काम आने वाले समय में हमारी सरकार करने वाली है। और आप सब लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए हैं, इसके भी बधाई देना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की नगरी है, और इस नाते भगवान राम हम लोग के भांजा हैं। 500 साल से भी ज्यादा संघर्षों के बाद भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो हमारी सरकार रामलला दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे में अयोध्या ले जाया जाएगा, और भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। तो ये सब मोदी की गारंटी में जो वादा है पार्टी का, वो सबको पूरा करने वाले हैं। और ज्यादा नहीं कहते हुए, यहाँ पर हमारे सीतापुर के पहले विधायक आज पहली बार कुछ मांग रखे हैं यहाँ पर, और चूंकि आप लोग आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, तो उनकी मांग का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारे विधायक जी और क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये नर्मदापुर में एक झंडा पार्क का निर्माण किया जाए,
ताकि आगे टूरिस्ट के क्षेत्र में इसका और विकास करेंगे तो दुनिया भर के लोग आएंगे। तो ये नर्मदापुर में झंडा पार्क का निर्माण और विधायक जी का कहना कि 415 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर लहराएगा, तो इसके लिए मैं झंडा पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। और ये जो मैनपाट महोत्सव है ये हर साल मनाते हैं और इसमें भी काफी खर्च आता है, हालांकि सरकार से सहयोग मिलता है, तो मैं भी अपने तरफ से इस महोत्सव के सहयोगार्थ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। बाकी जो भी और हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित सरपंच लोग काम का प्रस्ताव दिए हैं उनको सबको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सबका काम आप लोगों का होगा, इंतजार करना पड़ेगा और कितना ये मार्च में हो जाता है, बाकी किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सारा जो जरूरी काम है उसको पूरा करेंगे। और अंत में फिर से मैनपाट महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आगे आने वाले दिनों में ये महोत्सव और भव्य हो और व्यापकता लाए और आप सभी लोग यहाँ पर आए और हम सभी लोग इस छत्तीसगढ़ को एक सुखी और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाए, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब डर रहा हूँ दर्शन को मांग मांग, जैसे यहाँ से खेसरिया शुरू किया कि नींबू खाना भूजा एक बार कैमरा को मैं दिखा दूं, घुमा दूं इधर और इधर, ऐसा नज़ारा है और सामने का नज़ारा ये है, बेहतरीन भाई साहब। और मैं यहाँ पर हूँ, करना रे नाना तय करना रे नाना, करना रे नाना तय करना रे नाना, आज उतरे है चांद हमर पारा सितारा चरोर बगरे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे सुबह, कहाँ गए इंडिया गॉट टैलेंट जी, पूरे छत्तीसगढ़ का है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का है। अच्छा अच्छा, आप लोगों को पहले कौन सिखाए हैं सब? सर कौन सर है? मनोज प्रसाद सर। सर आइए। करमा कुहू की गाबो मांदर के तालमा, अभी आपको स्टेज में भी सर गाएंगे, उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा। पूरे आपका भी शुक्रगुजार हूं जो आप लोग खूब सारा प्यार दे रहे हैं, वीडियो डालते के साथ ही 30-40-50 हज़ार लोग देख ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं गोविंद कुशवाहा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। स्टेज का वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।